सुहागन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ संपन्न किया। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल है जो उठता है, वो ये कि आखिर करवा चौथ के बाद जो करवा है उसका क्या करना चाहिए। कई बार लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन पर कहीं ना कहीं नकारात्मक पड़ता है। तो ऐसे में ये जान लेते कि आखिर आप पूजा के बाद करवा का क्या करें। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं रात में विधि विधान के साथ माता गौरी की पूजा करती हैं और मिट्टी के करवा यानी कलश में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को पूरा करती हैं। कहते हैं बिना करवा के यह पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आप करवा का क्या करें। चलिए आपको बताते हैं इनके नियमों के बारे में। आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व माना जाता है, इसके बिना पूजा ही नहीं होती। मान्यता है कि इस करवा में माता गौरी का वास होता है, ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि करवा चौथ की पूजा के बाद करवा का क्या करना चाहिए। करवा चौथ के बाद क्या करें करवा का, जान ले ये नियम। कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माता गौरी इससे नाराज हो जाती हैं और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसे में करवा को भूल कर भी इधर उधर ना फेंके। धार्मिक मान्यता के मुताबिक करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के करवा को पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। अगर आप करवा को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, तो आप पूजा के बाद इसे किसी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, नीम, आम और बरगद के नीचे भी आप रख सकती हैं। करवा को प्रभावित करते समय या फिर पेड़ के नीचे रखते समय ध्यान रहे कि यह कहीं से भी टूटे या फिर खंडित ना हो। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप करवा को किसी भी जगह किसी भी स्थान पर यदि आप उसे रख रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं उसमें कोई खरोच कहीं से भी वो खंडित ना हो करवा। और इसके साथ ही कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को पूरे एक साल तक संभाल कर रखते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो ध्यान रहे कि घर में किसी जगह पर ही रखें जहाँ पे वो जगह काफ़ी साफ सुथरी हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि करवा चौथ जो होता है उसमें करवा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे में जो करवा है उसको बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, तो यदि आप करवा को संभाल कर भी रख रही हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप करवा को जिस जगह पर भी रख रहे हैं वो जगह काफ़ी साफ सुथरी हो, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना आती हो, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा आप यदि करवा नहीं रख रही हैं तो आप इसे किसी पेड़ के नीचे भी आप इसे रख सकती हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।